अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखा रही हूँ। कीमे का टिक्का पिज़्ज़ा, तो इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैं आपको बताती हूँ। मेरा हाफ के जी इसके अंदर कीमा है और एक टमाटर है मीडियम साइज़ का, दो तीन इसमें ओनियन है, मेरी दो ओनियन है मीडियम साइज़ की छोटी हैं, और इसमें कैप्सिकम है जी, हाफ कैस बड़ी थी मैंने उसकी आधी ली है, ये मतलब वन कप आप रख लें। और इसमें ये क्यूमन सीड्स है, क्यूमन पाउडर है, सीड नहीं कॉमन क्यूमन पाउडर है ये। और ये सॉल्ट है, सॉल्ट अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालिएगा, मैंने ये टिक्के के मसाले में डालना है, अपने हिसाब से डालिएगा। और ये जी चाट मसाला है 1 टेबल स्पून, होममेड गरम मसाला मेरा चेक कर लीजिएगा, ये वो है 1/2 टीस्पून। और ये 3 टेबल स्पून इसमें योगर्ट है, दो इसमें नींबू हैं, लेमन दो हैं इसमें ना स्मॉल साइज़ के, मतलब इतने छोटे वाले हैं, मीडियम साइज़ के दो लेमन हैं। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। और ये ओरिगानो है इसमें, और रोज़मेरी है, और ये फूड कलर है जो हम इसमें अभी मसाले में मिलाएंगे ना, मोज़रेला और चीदार चीज़ दोनों मिक्स हैं इसके अंदर। ये मेरा डो है, डो की वीडियो चेक कर लीजिएगा, पिज़्ज़ा डो की वीडियो, और वीडियो देख के फिर आप ये वाला बना लीजिएगा डो। तो मैं आपको सामने बनाना शुरू करती हूँ। ये हमारा कीमा है, बाद जी इसमें मैं डालती हूँ गरम मसाला, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, योगर्ट 3 टेबल स्पून भर के ले लें, हाथ साफ कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे कामों में तो हाथों का ही काम है। ये लेमन है मेरे, ये लेमन डाल रही हूँ, इसमें लेमन जूस चला गया, ज़ीरा पाउडर चला गया, इसमें क्यूमिन पाउडर, सॉल्ट चला गया मेरा 1/2 टीस्पून सॉल्ट है, रुक के डालें थोड़ा सा, और ये चली गई। इसमें ज़रा सा हम रोज़मेरी डालेंगे, ज़रा सा इसमें आप ओरिगानो डाल दें, फूड कलर चला जाएगा। इसको मिक्स करूँगी और मैं अच्छा, इसको अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा इसको छोड़ दें, जितना टाइम से छोड़ेंगे उसका टेस्ट अच्छा आएगा ना। और इसको फ्राई पैन में हम फ्राई करते हैं, इसको इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। वैसे एक कुक होगा तो सारा खुद ही मिक्स हो जाएगा, लेकिन इसको इस तरह छोड़ देंगे अगर मसाला लगा के, तो कम से कम आधा एक घंटे के लिए रख दें तो बहुत अच्छा है कि फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। तो इसको मैं चूल्हे पर लगा चढ़ाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने फ्राई पैन के अंदर ऑयल डाल लिया, ऑयल ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमें ये पिज़्ज़े के ऊपर डालना है, तो इस वजह से ज़्यादा ऑयल ना हो। डालने के बाद अपना सारा हम इसमें डाल देते हैं मसाला लगा हुआ, नमक आप चेक कर लीजिएगा। बस इसको फ्राई करना है, फ्राई इतना करना है आपने के ना ये मतलब सब पानी खुश करना है, इसमें दही भी डाला हुआ है। सब पानी खुश करना है, बस पानी खुश होने में ही ये गल जाएगा, क्योंकि वैसे बारीक कीमा है तो ये जल्दी हो जाएगा। और कलर आपकी मर्जी है कि आप इसमें कितना कलर डाल रहे हैं, मुझे कलर ज़रा सा कम लग रहा है, मैं कलर ज़रा सा और डालती हूँ, कलर अपने अंदाजे से डालें आप इसके अंदर ना टिक्के के उसमें मसाले में। हाँ बस अब ये मैं इसका पानी खुश करती हूँ, इसको मतलब 5-10 मिनट तक मैं ऐसे ही फ्राई करती हूँ, उसमें ही ये गल जाएगा, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। जब तक मेरा जो कीमा है वो चूल्हे पे है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने जो डो है इसको बेल के बड़ी रोटी इसकी इसके अंदर बिछाना है, मैंने इसको ग्रीस कर लिया है ऑयल से ना, अपने ट्रे को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मैं अपना जो मैदा है इसको बेलती हूँ, बेलने के बाद हम इसके अंदर बिछाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब इसको बस मैंने रोलिंग पिन से इसको रोल करके और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसको रोल कर लिया अपने रोटी को, हमने अपने ट्रे के ऊपर इसको इस तरीके से लें रोल करके,
अब इसको बस इस तरीके से सेट कर लें आप। ठीक है, बस अब मैं इसको 15 मिनट के लिए ऐसे रख देती हूँ, जब तक मेरा कीमा भी रेडी हो जाएगा। ओवन को मैंने गर्म करने होने के लिए रख दिया है 15 मिनट, कम से कम 15-20 मिनट ओवन गर्म हो, प्री हीट हुआ हुआ हो 180 डिग्री पे। तो ये फिर मैं आपको दिखाती हूँ, इसको रख दिया, रेडी हो गया। ये देखें, इसको रख देते हैं, ये देखें कि मेरा ये रेडी हो गया है, कीमा ना भुन गया है काफ़ी। अब मैं इसको इसका फ्लेम बंद करती हूँ और फिर हम आप गार्निश करते हैं इसको पीजे को। हाँ जी, अब मैं शुरू करती हूँ। मेरा जो देखें ये कितना वो हो गया ना, डो जो है हमारा बिल्कुल वो हो गया है कि रेज हो गया। देखें कितना ज़्यादा फूल गया है ऊपर ना, ये मैंने बॉर्डर बना लिया है इसका। आपकी मतलब है, मर्जी है कि आप इसको मोटी इसकी रोटी रखें या पतली रोटी रखें। मुझे चाहिए थिक रोटी, तो मैं थिक रख रही हूँ इसका। ये आप इसको, मैं आपको दिखाना भूल गई थी, ये क्या कहते हैं इसको, पिज़्ज़ा की ना सॉस, पिज़्ज़ा सॉस लगा मिला बाज़ार से आराम से मिल जाती है, लेकिन मैं आपको बनाना भी सिखा दूँगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये मैंने 4 टेबलस्पून दिए थे पिज़्ज़ा सॉस के। ये आपकी मर्जी है जितना डालें, क्योंकि कुछ केचप ज़्यादा खाते हैं मेयोनीज़ ये सॉस, और कुछ कम खाते हैं खट्टा। ठीक है, ये हमारे हो गया रेडी। ओवन मेरा गर्म हो गया है, बस जैसे ये हो जाएगा, क्योंकि देखें ना कितना रेज हो गया है, सही जैसा चाह रहे थे वैसा हो गया है। कीमा है मेरा, मैं डालती हूँ इसके ऊपर, अच्छा भरिएगा ताकि टेस्ट में आए सारों के ना। ज़रा दिल खोल के डालें, आधा किलो में आपके 2 पिज़्ज़े तैयार हो जाएंगे। ये देखिए मेरा इतना बचा है कि इसमें एक पिज़्ज़ा मेरा और रेडी हो जाएगा। प्याज के छिल्ले काट लें, ऐसे रिंग काट लें। प्याज इसमें जब वो ग्रिल हो जाती है तो अच्छी लगती है। ऑनियन रख दें आप इसके अंदर, मोज़रेला ले ले। इसमें दोनों चीज़ें हैं, मोज़रेला भी है और चीदार भी है, दोनों मिक्स हैं। ये
ये एक कप अगर आप लेंगे तो एक कप एक पिज़्ज़े में लग जाएगा। ज़रा से ऊपर डाल दें। सही, मैं आपको दिखाना भूल गई थी, इसमें मुझे वो डालनी है ओस्टर सॉस। इसमें 2 चम्मच आप टेबल स्पून ओस्टर सॉस के डाल दें। और इसके ऊपर जरा सी केचप डाल दें। ठीक है, अब इसको ओवन में रखते हैं, फिर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ओवन से देखें रेडी हो गया, ये यही हो ना सामने, ये देखें जी, मैं इसको ओवन में रख रही हूँ और इसको मैं रख रही हूँ 15 मिनट से 20 मिनट में, आप इसको चेक कर लीजिएगा, 15 मिनट में रेडी हो जाएगा। इसके अंदर आपको बताना भूल गई थी कि इसमें ओरिगानो और रोजमेरी दोनों डाल रही हूँ मैं। अब मैं इसको ओवन में रख रही हूँ जी। ये देखें, ये मैंने कोयला अपने इसके लिए ना पिज़्ज़े के लिए गर्म किया है, टिक्का पिज़्ज़ा के लिए, कीमे का जो है वो उसके लिए गर्म किया है। अब ये देखें गर्म हो जाएगा, मैं उसको 2 मिनट इसके ऊपर रखूँगी और फिर कोई चीज़ ढक देते हैं हम। बस ये हो गया मेरा, तो मैं इसके ऊपर रखती हूँ। ये देखें जी, मैं इसके ऊपर ज़रा सा आप ऑयल डाल दें, घी डाल दें, कुछ भी डाल दें, इसको हमने वो इसके ऊपर वो देनी है स्टीम, जैसे ये होने लगे आप कोई भी एक ट्रे लेके इसके ऊपर डाल दें, इसको कपड़ा ढक के छोड़ देंगे तो इसमें सारा फ्लेवर आपके बारबेक्यू के आ जाएगा। फिर मैं आपको 2 मिनट बाद दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें बस ये रेडी हो गया। अब मैं इसका कवर हटा देती हूँ, ये भी उठा लेते हैं हम। ये आपका पिज़्ज़ा रेडी है, इसको एंजॉय करें और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, कैसा लगा पिज़्ज़ा, और दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।